अब दोस्तों बोलेरो आने लगी है। कल भी जैसे ग्रुप है ना, तो अभी शमशेर सामान लेके आया है, तो वही बोलेरो में नीचे लकी जी भी पहुंच गया भागते भागते। अभी राजू के दोनों घोड़े घुस गए थे अंदर, तो वो गाड़ी के आगे आगे भाग के गए। आज अभी 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए बड़ी जबरदस्त बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया। उसके पहले धूप भी खिली हुई थी, और जब धूप थी तो उमस थी, अब बहुत ही बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। ये देखिए, लेकिन अब जो है ना, क्योंकि मानसून जा रहा है तो बादल ऊपर ही रहते हैं। पहले जो उतर उतर के यहाँ से नीचे से निकलते थे, यहाँ अक्सर इतने रहते थे, वो अब 2-3 दिन से मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये जंगली सुअर हैं जो राजू का खेत खा रहे हैं अभी, और फोन है नहीं राजू के पास। ये देखिए, वैसे दिन में खाते नहीं है, रात को खाते हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही है ना, तो इनका टाइम टेबल चेंज हो गया है। काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े थे, अभी अभी शेड में चले गए, और एक आध अभी यहाँ है, ये जा रहा है। ये देखिए खेत में ही रुक गया है, पीछे करीब 7 हैं। दोस्तों आज खबर आई है कि बहराइच में 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया गया, और एक ही बचा है, और वो जो बचा है वही लंगड़ा होगा, क्योंकि जो पकड़ा गया है वो लंगड़ा नहीं है। तो लोगों ने बताया है कि लंगड़ाते हुए एक भेड़ियों को देखा है, इसका मतलब एक भेड़िया तो लंगड़ा है, तो वो भी पकड़ लिया जाएगा मेरे ख्याल से जल्दी। खुशी की बात यह है कि मारा नहीं गया, पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ा शायद गांव वालों ने, क्योंकि तो मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें गांव वाले लकड़ी से दबाए हुए थे कई सारी लकड़ियों से, और फिर बाद में पिंजरे में डाला था। तो देखिए, बिना मरे ही काम हो जाए तो जो आदमखोर हैं वो जू में बने रहेंगे। एग्जैक्टली तो पता देखिए चल नहीं पाता जिंदा में। होता क्या है ना, देखिए जब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ, काम चलाऊ नॉलेज जो है वाइल्ड लाइफ का, उसके तहत बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो तुक्के पे भी होती हैं। जैसे कि अब मान लीजिए पकड़ लिया गया भेड़िया, चाहे वो भेड़िया हो, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, जिसके ऊपर आदमखोर का इल्ज़ाम है। ये क्या है? नहीं, ये मुझे तो लग रहा है कुत्ते के है, एक के ऊपर एक दो पड़ गए ना, इसलिए ऐसा लग रहा है बड़ा सा पग मार्क दिख रहा है। मैं बता रहा था आपको, बहुत सारी चीज़ें तुक्के के आधार पर होती हैं। कैसे होती है कि एक मान लीजिए भेड़िया का टॉपिक चल रहा है, तो भेड़िया की बात करते हैं। ये भेड़िया पकड़ लिए गए, अब पता कैसे चलेगा कि ये आदमखोर है? कोई तरीका? कोई तरीका नहीं है। अगर आप उसकी स्टूल को भी चेक करोगे, ड्रॉपिंग को भी चेक करोगे ना, तो जब उसने इंसान को खाया होगा, उसके 6-7 घंटे बाद सब निकल जाता है पेट से। आप अगर 1-2 दिन बाद चेक करोगे तो आप नहीं पता चला सकते कि ये आदमखोर है कि नहीं है। ऐसे अगर तो मरा जानवर आपने, मतलब अगर टाइगर मर गया, भेड़िया मर गया, तो उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में भी खाने के वो कितनी देर बाद मारा गया, इस पर डिपेंड करता है। फौरन मार दिया, शिकार के पास था या थोड़ा दूर गया था, मार दिया तो पेट में मिल जाएगा। लेकिन जब वो 6-7 घंटे में जब वो पूरा ड्रॉपिंग निकल जाती है, तो बचता नहीं है कुछ, और 1-2 दिन बाद तो बिल्कुल नहीं बचता। तो वो बड़ा मुश्किल होता है पता लगाना कि ये आदमखोर है कि नहीं। हाँ, जिम कॉर्बेट के टाइम पे किस्सा हुआ था कि जब उन्होंने मारा था उसको, तो वो भी 1 ही दिन बाद मारा था, एक एक या अगले दिन की बात है, लेडी को खाया था उसने, और टाइग्रेस ने और उसके बच्चों ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक्चुअली मेरे दिमाग में ना स्टोरी सारी मिक्स हो जाती हैं, तो मुझे टाइटल याद नहीं रहते किसकी बात है, लेकिन ये जहाँ तक है ये ठाक मैनिटर की बात थी शायद। तो उसमें लेडी के कपड़े भी जो है, बच्चे मतलब टाइगर के बच्चे, टाइगर्स के बच्चे, कब्स क्या हुआ, खून से सन गए कपड़े, तो वो खून के साथ में चबा गए, तो वो कपड़े भी चले गए अंदर, तो उनके पेट से कपड़ा निकला था। तो ये भी क्योंकि 6 घंटे के तो बाद ही मारा था, वो तो एक 1-2 दिन या मुझे लग रहा है कितने दिन बाद मारा था उसको, बच्चों को।
वो ये होता है कि कई बार वो कपड़ा है ना तो चिपक गया पेट के अंदर, निकला नहीं होगा, कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से कपड़ा मिल गया था। तो कभी मिल जाते हैं अवशेष, लेकिन इन चीज़ों में बड़ा मुश्किल होता है पता लगाना। कि तो जिंदा जानवर को पता लगा लेना तो बहुत मुश्किल है, वो भी जब उसने शिकार किया हो, उसके 2-3 दिन बीत गए हों तो पता लगाया नहीं जा सकता। तो अब जो भेड़िए पकड़े गए हैं जो लखनऊ या गोरखपुर में हैं, वो मैन ईटर थे कि नहीं थे, बड़ा मुश्किल होगा पता लगाना। और दूसरी बात क्या है ना दोस्तों, कि देखिए अभी बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। वैसे मैं बता दूं, अगर 15-20 दिन तक लोग सेफ्टी रख लेना, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले लें, तो ये समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। अंदाजा किस आधार पे है? अक्टूबर के बाद बारिश ख़त्म हो, 1 अक्टूबर के आसपास बारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है। तो जो उनकी मांद गुफाएं पानी में दब गई हैं, घुस मतलब पानी में डूब गई हैं, वो वापस रिकवर हो जाएंगी, वो अपनी मांद में लौट जाएंगे, क्योंकि उनका खाना खरगोश वगैरह पहुंच चुके होंगे वहां पे। अभी क्या है, वो अपने जब उनकी गुफाओं में पानी है, अभी सुनने में आया कि एक पुराना घर था उसके अंदर भी मांद मिली है। तो ये सब तो टेम्परेरी शेल्टर है, कहीं तो रहेगा तो उसने बना लिया। तो अगर ये 15-20 दिन तक लोग डबल मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम का हर्जा हो रहा है, कोई बात नहीं, 15 दिन की बात है, 15 दिन तक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, डबल ड्यूटी अपना, मतलब सारे लोग सोए नहीं टाइम पे, और ये करके मतलब एक ही टाइम पे ना सोए सारे लोग, ये लकी बाबू और ये ब्लैकी जी। देखिए वहाँ सामने जो है पहाड़ के ऊपर धूप है, और वो जो पहाड़ की चोटी है समझ लीजिए, वहाँ गया था उस दिन मैं ट्रैक करके, दिवली 16 किलोमीटर बोथ वेज, 8 किलोमीटर एक तरफ। कहाँ भैया कहाँ, नहीं नहीं आना है आपको, ना 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 नहीं, यहीं रहना है। फिर भैया फिर भैया फिर भैया, वह खतरा है, खतरा है, वह खतरा है, कुत्ते होते हैं। हाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, पकड़ पकड़ चर, 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 चर। अब देखिए पानी का कलर एकदम साफ हो गया है, जबकि आज बारिश हुई है, आधे एक घंटे बारिश हुई है। वो देखिए छोटा बच्चा आराम से क्रॉस कर रहा है पानी को, चप्पल धोई उसने, खैर अभी फ्लो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उसके उसके तो घुटनों तक है, वो निकल गया आराम से। ये देखिए यहाँ तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, पत्थर वगैरह पूरा ही दिख रहा है, नीचे का सारा दिख रहा है इसमें। बस अब दोस्तों कुछ दिन बाद ये पानी यादें बन जाएगा, अक्टूबर आने वाला है, ऐसा फ्लो नहीं मिलता अक्टूबर के बाद, पानी तो रहता है मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक, लेकिन वो बहुत कम हो जाता है, तो एक आध जगह पत्थर रोक देते हैं, तो पत्थर से रोक के थोड़ा सा नहाने लायक हो जाता है, लेकिन दिसंबर में कौन नहाता है ठंडे मतलब ऐसे खुले में, पानी ठंडा होता है। लकी बाबू वहाँ से देख रहे थे बड़ी उम्मीदों से, और ये ब्लैकी जी। अभी दोस्तों जैसे क्योंकि जो टॉपिक उठता है ना, जैसे मान लीजिए भेड़िया है, तो मेरे ही कई वीडियो बन गए अभी, क्योंकि वो जो चर्चा चल रही होती है वही याद आ जाता है। और ऐसे ही क्या हो रहा है कि पहले लोग नोटिस नहीं करते थे, अब क्योंकि भेड़िए के यहाँ थोड़ा गहरा है, अभी वो बच्चा वहाँ से निकल गया, लेकिन ठीक है फ्लो में मतलब लग रहा है देख के, लेकिन पावर नहीं है पानी में, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी काई भी दिख रही है नीचे। अच्छा आज मैंने 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया, ये देखिए धीरे धीरे, ऊपर आज बादल आ गए, मैंने कहा था पहाड़ों पे बादल नहीं आ रहे तो आ गए। आज सुबह सांबर डियर बोल रहा था कई बार, और जब जब मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो 2 बार बोलता था, मैं कैमरा लेके आता था फिर वो बंद हो जाता था। बार्किंग डियर भी बोल रहा था एक बार, तो बार्किंग डियर तो लेपर्ड के लिए भी बोलता है, सांबर डियर बड़े लेपर्ड या फिर टाइगर के लिए।
यहाँ से गाड़ियाँ निकली भी हैं दोस्तों, ये निशान दिख रहे हैं टायरों के, अभी बने हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ से निकाली गाड़ी, मतलब अब हमारी जिप्सी भी निकल सकती है, यानी वहाँ तक चली जाएगी, यहाँ से गहरा नहीं ऐसे यहाँ से निकल आएगी, पहले क्योंकि हमारा रास्ता वहाँ से था, वहाँ थोड़ा कटाव हो गया था, तो यहाँ से निकल रही है इसका मतलब गाड़ी। तो दोस्तों मैं जो बता रहा था ना आपको कि अब क्योंकि भेड़ियों का टॉपिक उठता है, तो अभी क्या हुआ कि जो चंबल सफारी के एजुकेशन ऑफिसर थे इटावा में जो है ना चंबल सफारी, वो कहीं शूटिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो उनको लगा सियार है जैकल, उन्होंने वीडियो, लेकिन उनको बाद में डाउट हुआ, तो उन्होंने जो वहाँ के DFO साहब थे उनको दिखाया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये तो भेड़िया है, जबकि वहाँ पे भेड़िया बहुत सालों से नहीं देखा गया है। तो पहले तो होते थे चंबल, अपना आगरा से भी दूर नहीं है और मुरैना वगैरह के आसपास है, तो मैंने पहले ही बताया था कि 1950 के आसपास तो अच्छा खासा आतंक था आगरा में भेड़ियों का, और जो वहाँ के DM साहब थे उनके बंगले में घुस गया था और बाद में DSP साहब ने मारा था उसको, और उसके बाद फिर घुस गया था अगले साल एक दूसरा भेड़िया, वो कुछ गुफा सी या कुछ छिपने की जगह थी, गड्ढा सा था, तो वहाँ से उसको पकड़ा गया था। गुफा से मुझे एक बात याद आई अभी, जो रुद्रप्रयाग मैनीटर था, तो जब उसको पकड़ने की कोशिशें की जा रही थी, तो तेंदुआ जो था लेपर्ड, तो उसकी जो कई असफल जो कोशिशें थी जो जिम कॉर्बेट के आने के पहले हुई थी, एक तो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे तो उन्होंने गोली मारी, तो गोली तो गलत लग गई थी, वो तो इस बात से रिलेटेड नहीं है। एक क्या हुआ कि पहले लेपर्ड को पकड़ लिया गया एक को, और शायद वो मैनीटर ही था जिसको बाद में जिम कॉर्बेट ने मारा, तो वो पकड़ लिया, तो उसको हिंदू लोग मारने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इतने लोगों की जान ली है, उसकी आत्माएं भी इसके साथ ही अटैच होंगी, तो अगर इसको हम मारेंगे तो वो सारे लोगों की आत्मा जो है हमारे ऊपर लग जाएगी, हमें परेशान करेगी। और ये बात है, देखिए अगर उसने 436 लोग मारे ना, तो ये बात है जब उसने 420 के आसपास मारे थे, रीजन 15 लोग और उसके बाद मारे थे जिम कॉर्बेट ने बताया, तो फिर ये हुआ कि भाई हम तो नहीं मारेंगे क्योंकि इस पे इसके ऊपर बहुत सारी आत्माएं हैं। तो एक इंडियन क्रिश्चियन था जो कि 30 मील की दूरी पे रहता था वहां से, तो ये हुआ उसको बुलाओ, जब बुलाया और पैदल आ रहा था, जब तक वो आया तब तक मैं जिस बाड़े के अंदर उस लेपर्ड को रखा था वो गड्ढा खोद के निकल गया उसमें से। ऐसी एक बार ये बात मुझे अचानक से कैसे याद आई, जो मैंने बोला ना कि DM साहब के घर में गुफा में घुस गया था, पकड़ा गया था, ऐसे ही वो किसी इंसान को मारा, और उस जंगल में जब लोग सर्च पार्टी जा रही थी अगले दिन, लेपर्ड वहां से ज्यादा नजर आया, जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक गुफा में घुस रहा है, तो वो जल्दी से गए, उस गुफा के पीछे झाड़ियां थे, लोगों ने जल्दी जल्दी कांटे काटे और पूरा कांटों से उस गुफा को कवर कर दिया, तो उसमें ट्रैप होकर रह गया, बहुत कटी मतलब अच्छी कटीली झाड़ियां थी, और भीड़ बढ़ गई, 400-500 लोग जमा हो गए वहां पे। तो फिर 2-3 दिन हो गए लोग बुला रहे थे, तब तक में एक आदमी आया, कोई जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि रिकॉर्ड में उसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि बहुत पहुंच वाला आदमी था, तो उसने गया, उसने कहा अरे कुछ नहीं है, लेपड़ वेपड़ कुछ नहीं है, चलो हटाओ ये कांटे, कांटे हटवा दिए, जैसे ही कांटे हटे 500 लोगों के सामने लेपर्ड निकल के उससे भाग गया। तो वो बात जिम कॉर्बेट ने मेंशन की थी कि अगर उस वक्त पकड़ लिया गया होता तो 15 लोगों की जान और जो चली गई वो नहीं जाती। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि DM साहब के बंगले में घुस गया था, तो अब दोस्तों आगे नहीं जाता क्योंकि पानी पार करना है, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर लौट आऊँगा, उससे अच्छा यहीं कर लेता हूँ, क्योंकि आज बारिश भी हुई ना तो अंधेरा थोड़ा जल्दी होगा, तो ये अपनी जो मेन चलने वाली रोड है पुरानी, उस पर आ जाता हूँ। तो चंबल में मिल गया भेड़िया, मैनपुरी में तो भेड़िया के अटैक हुए सुनने में आ रहा है, बरेली का भी सुनने में आया था, और बिहार में भी सुनने में आया है, मध्य प्रदेश में भी सुनने में आया भेड़िया का अटैक अभी जो रिसेंटली। तो ये जो सारे अटैक हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अचानक से भेड़िए कैसे एक्टिव हो गए?
तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अचानक से भेड़िया एक्टिव हो गए हैं, जो पूरे में जगह जगह से एक साथ खबर आ रही है। ये हुआ ये है कि बारिश का मौसम है, हर जगह बारिश है, हर जगह जहाँ भी नदी, क्योंकि देखिए जो सॉफ्ट मिट्टी के आसपास ये गुफाएं बनाते हैं, और तो नदी चढ़ जाती है, उनकी गुफाओं में पानी भर जाता है, और हर जगह एक सी प्रॉब्लम आ रही है। ये सिर्फ बहराइच की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी गुफाओं में पानी भर गया, खरगोश के बिलों में पानी भर गया, छोटे जानवर चले गए वहां से, उनके पास शिकार नहीं है तो गांव की तरफ आते हैं, जानवर खाने के लिए आते हैं, जानवर बंद मिलते हैं, भूख लगी होती है, इंसान के बच्चे सामने दिख जाते हैं। तो अगर 15-20 दिन सारी जगह सारे लोग अलर्ट हो जाए तो देख लेना इनको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेना अक्टूबर के बाद से आपको जून तक सुनने में नहीं आएगा भेड़ियों के बारे में, ये सिर्फ अभी ही सुनने में आएगा। तो आज हो गई 10 तारीख, 20 दिन सारे लोग, अगर जहां जहां, अब तो देखिए पूरे इंडिया में हर जगह अपने वीडियो देखे जाते हैं, अगर आप लोकल में भी ये बोल देना कि भाई 20 दिन की, क्योंकि हर आदमी को लगेगा हम अपना काम धंधा कैसे छोड़ देंगे अगर हम शिफ्ट में सोएंगे, कि भाई आधे लोग जग रहे हैं आधे सो रहे हैं, हमारा काम का हट जाए। तो देखो 20 दिन कर लो हट जा, बस 20 दिन के बाद काम के हर्जे की जरूरत नहीं। आप देख लेना अक्टूबर के बाद से मामले खत्म हो जाएंगे, नवंबर वगैरह में तो बचेंगे ही नहीं मामले, क्योंकि पानी उतर जाएगा, अपने अपने वो लौट जाएंगे। ये नहीं बोल सकते कि उनको स्वाद लग गया है इसलिए बार बार आएंगे। देखिए मैन ईटर तो कमी है, बाकी जगह तो भेड़िया दिख रहे हैं, और जो मैन ईटर भी है ना वो अपनी जान पे खतरा लेके फिर नहीं आएगा। अभी क्या है कि उनकी मान में भर गया पानी, उन्होंने मान बना ली है गांव के आसपास, जो अभी एक पुराने घर के नीचे से मान मिली है ना, तो इसलिए वो नजदीक रह रहे हैं, और जब वो दूर चले जाएंगे ना तो फिर वो उनको शिकार वहां मिल रहा है तो वो नहीं आएंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो क्योंकि भेड़िए देखिए 3000 है, जिस तरह से टाइगर है, टाइगर तो बहुत ब्रांड वैल्यू वाला रॉयल जानवर है, तो उसका तो सबको ध्यान जाता है, भेड़िए की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो भी जानवर विलुप्त होने के कगार पे है, जैसे एक तस्मानियन टाइगर था है ना, तो वो भेड़िया के जैसे ही दिखता था, उसमें थोड़ी सी धारियां होती हैं, वो तस्मानिया में मिलता था, वो विलुप्त हो गया, लास्ट उनका जू में बचा था वो भी मर गया था। अब सिर्फ उसकी वीडियो है, मैंने एक वीडियो बनाया तस्मानियन टाइगर पे 2-3 साल पहले बनाया था, तो अब क्या है वो उसको वापस, उसके DNA सैंपल कहीं प्रिजर्व्ड होंगे या कुछ भी होगा, तो उसको वापस उसका क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई बहुत खूबसूरत जानवर तो नहीं था जैसे कि, और ना ही बहुत बड़ा जानवर था जैसे टाइगर होता है, लेकिन जानवर की तो वैल्यू है ना, वो तो भेड़िया के बराबर ही था, और उसमें हल्की हल्की स्ट्राइप्स थी, तो भी जो चीज़ खो गई ना तो उसकी याद बड़ी आती है इंसान को। तो अगर ये भेड़िया भी खो गया ना, इंडियन चीता चला गया था तो लाए ना बाहर से, भले ही वो अफ्रीकन चीता है, अब उसको वापस इंडियन चीता बनने में 100 साल लगेंगे, वो जो अडेप्ट करेगा बिल्कुल, जो थोड़ा सा उसको मुश्किलें आ रही है ना वो आनी बंद हो जाएंगी, 100 साल बाद वो इंडियन चीता ही बन जाएगा, जिस तरह से लोग ढाल लेते हैं ना, अगर जो हमारे यहाँ इंडियन भेड़िया है और जो बाकी जगह जो भेड़िया हैं जिनके बालों का फर्क है, वो क्यों फर्क है, अगर वहां के भेड़िए इंडिया ला दोगे 100 साल बाद वो भी ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि बाल यहाँ ठंड उतनी पड़ेगी नहीं, उतने घने बाल करेंगे क्या। आप यहाँ जो गाय बैल देखते हो, आप पहाड़ पे जाओगे तो पहाड़, याक नहीं बोल रहा हूँ, वैसे गाय बैल भी देखोगे ना तो उनमें थोड़ा बाल ज्यादा होंगे, कुत्ते देखोगे पहाड़ पे ऊंचाइयों पे तो उनके बाल बड़े झबरीले होंगे, और यहाँ के नहीं होंगे, कुत्ते वही हैं, थोड़ा सा नस्ल का फर्क है, लेकिन वो अडेप्ट कर लेते हैं ना, जहाँ ठंड पड़ रही है वहां तो घोड़े के बाल भी थोड़े बड़े हो जाते हैं पहाड़ पे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया आपको तस्मानियन टाइगर का, कि वो विलुप्त हो गया तो अब इतना खर्चा करके उसके DNA सैंपल से वापस उसको लाने की कोशिश हो रही है, यहाँ तो 3000 बचे हैं, अगर ये इसी तरीके से मर गए ना, देखिए इंसान की जान तो सबसे ज़्यादा कीमती है, और उससे भी ज़्यादा कीमती है बच्चों की जान, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई अगर इंसान को मारेंगे तो मारना तो पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ कि इसको परमानेंट प्रॉब्लम ना समझा जाए, 20 दिन तक तो कुछ भी कर लेते हैं ना हम, अगर देखिए बारिश हो रही है तो हम अगर काम से जा रहे थे तो हम नहीं निकलते बाहर कि यार बारिश रुक जाए तब निकलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर सारे लोग डबल ड्यूटी कर दें कि भाई रखवाली करेंगे ये करेंगे, सिर्फ 20 दिन की बात है, ये सोच के करेंगे तो ये भेड़िए मरेंगे नहीं, फिर अभी भी ये पकड़ लिएगा, ये भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट जिंदा तो हैं, भले ही वो कैप्टिविटी में आ गए, लेकिन इंसान तो बचाना ही है सबसे। अच्छा हुआ क्या, अभी लोगों ने छत पे सोना शुरू कर दिया, तो एक भेड़िया छत पे चढ़ गया,
वहाँ यूकेलिप्टस का पेड़ था, यही बहराइच की बात है, वो उस तिरछा पेड़ रहा होगा। हालांकि यूकेलिप्टस का तो चिकना और सीधा होता है, लेकिन अपने पंजे गड़ा के जंप करके, छत तो क्या 10 फीट पे होती है, उसने एक पंजे का सहारा लिया होगा, चढ़ गया। और जब उनकी नींद खुली, देखा सब चिल्लाए, तो वहीं एक टीन शेड था, उसके सहारे से वो भाग गया। तो लोग अब और डर गए कि भाई छत भी सेफ नहीं है। हालांकि मैं दोस्तों जो ज्ञान दे रहा हूँ ना कि 20 दिन संभाल लो, कहना बड़ा आसान है। जब आप उस जगह रहते हो ना जहाँ अटैक होते हैं, तो वहाँ के जो दहशत होती है वो अलग ही होती है। क्योंकि भेड़िया वैसे आपको देखने में कुत्ते की तरह लग रहा है, लेकिन जब वो कुत्ता भी खैर मुंह बनाता है तो खतरनाक लगता है। भेड़िए जितने दिखते हैं ना छोटे, जब वो दांत गड़ाते हैं, जिस तरह से अटैक करते हैं ना, तो जो छोटे जानवर होते हैं ना उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है। मतलब जानवर भेड़िए के दांत से मरे उसके पहले ही खरगोश वगैरह और इस तरह से, और अगर पैक बड़ा है तो जंगली सुअर मार लेते हैं, डियर भी मार लेते हैं, एंटीलोप मार लेते हैं ये भेड़िए। तो इनके जो जिस तरह से झपट्टा मारते हैं और एक साथ पकड़ते हैं ना, जानवर हार्ट अटैक से मर जाता है। इसमें इनके जो जैसे 10-12 के पैक होते हैं, जैसे अभी भी मैंने बताया ना कि लोग बोल रहे हैं कि भाई 100 भी हो सकते हैं, फिर ये हो रहा है कि CR भी हो सकते हैं। तो इनके जो पैक होते हैं, जैसे जनरली इनका एक वर्ड जो होता है ना अल्फा मेल, अल्फा मेल प्रैक्टिकली जो होता है ना, अगर लिटरल मीनिंग पे जाओगे तो वो क्या होता है कि जो मेल एक होता है, फीमेल बहुत सारी होती हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी आप देखना डिस्कवरी का सी लायन क्या होगा कि जब फीमेल आती है ना, उसके पहले ही वो उस इलाके पे कब्जा कर लेता है, बाकी सारे मेल्स को मार मार के भगा देगा, उसकी बादशाहत हो गई। अब जितनी भी फीमेल वहां आएंगी 150-200, उन फीमेल को बोलते हैं हरम, और वो सबसे मेटिंग करेगा, फिर दूसरा कोई मेल नहीं करेगा मीटिंग। एक बीटा होगा, जैसे अल्फा के बाद बीटा, ये सब होते हैं अल्फा बीटा गामा जीटा सिग्मा। तो बीटा भी क्या होगा, वो उसका थोड़ा असिस्टेंट चमचा बन के रहेगा, दूर रहेगा, तो वो दूसरों को फटकने नहीं देगा, तो एक आध फीमेल उसको दे देगा वो। ये होता अल्फा मेल। भेड़िया में हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं अल्फा मेल, प्रैक्टिकली अल्फा मेल क्यों नहीं होता, डोमिनेटिंग कपल को क्या होता है कि एक ही कपल बच्चे पैदा करते हैं, और जो बाकी पैक मान लीजिए 12 है, 12 में मान लीजिए 3 या 4 एडल्ट भी है ना, उनको मेटिंग का कोई राइट नहीं है। वो हेल्प करेंगे, खाना करेंगे, उन वो रहते क्यों है मजबूरी में कि भाई उनको शिकार करने में और सुरक्षा की गारंटी होती है उसमें रहने में, कि अकेले वो शिकार वो एंटीलोप को मार ही नहीं सकते, लेकिन 12 है, 12 में तो नीलगाय को गिरा देंगे, तो खाना तो मिल जाता है, अकेले में खाना ही नहीं मिलता। लेकिन हर कोई अल्फा मेल बनना चाहता है, अंदर से चाहत रखता है। अब किसी अडल्ट को लगता है कि यार मेरे अंदर पावर है, वो चैलेंज करेगा। भेड़ियों में क्या होता है ना, अगर आंख में आंख डाल के देख रहा है ना वो उसको आपस में, कुछ आवाज आ रही है, पिकॉक की होगी, इधर से आ रही है, एक्चुअली पानी की आवाज इतनी होती है कि समझ में नहीं आता। आंख में आंख डाल के देख लिया ना उस दूसरे भेड़िए ने, तो अल्फा समझता है कि मुझे चैलेंज कर रहे हो, तो वो सब पूंछ हिला के दब के रहते हैं उसके सामने। और अगर किसी को चैलेंज करना होता है तो वो फिर जब लड़ने जाता है, अगर उसने जिसको अल्फा बोलते हैं डोमिनेटिंग मेल जो होता है उसको हरा दिया, तब तो वो बन जाएगा डोमिनेटिंग मेल। लेकिन अगर नहीं हरा पाया तो इसको झुंड छोड़ना पड़ेगा, या तो मार देगा अल्फा, बच गया। फिर जो ऐसे निकल जाते हैं ना दोस्तों, उनको बोलते हैं डिस्पर्सर। ये अलोन वुल्फ होते हैं, जब अकेले घूम रहे होते हैं, तो अब जो लंगड़ा है जो बच गया है, कई लोग बोल रहे हैं वही डोमिनेटिंग कपल वाला है, अब कपल तो पकड़ लिए गए, इकलौता बचा एज पर द रिकॉर्ड्स, तो वही अल्फा मेल है। लेकिन मुझे डाउट लगता है कि वो अल्फा मेल है, क्योंकि जो अल्फा मेल होगा वो लंगड़ा नहीं हो सकता। जो अभी मैंने आपको बात बताई वो इसीलिए बताई कि ये जो मैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा भाई लंगड़ा अल्फा नहीं हो सकता, लोग कहेंगे जी अखबार में तो छप रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो अल्फा मेल कौन होता है, जो रूल करता है, जिसको दूसरे चैलेंज करने आते हैं तो उनको हरा देता है। लंगड़ा जो है तो उसके अंदर तो डिसेबिलिटी आ गई ना, वो कैसे हराएगा, तो उसको तो दूसरा चैलेंजर हरा ही देगा ना, तो अल्फा मेल तो नहीं बचेगा वो। तो जो भेड़िया हार जाता है वो भाग जाता है डिस्पर्सर बन के, फिर वो अकेले करेगा शिकार, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी चाहत थी अल्फा मेल बनने की। उसके बाद वो ढूंढेगा दूसरी फीमेल या कोई ग्रुप, अगर दूसरा ग्रुप मिलेगा तो, क्योंकि इसने पहले ग्रुप को तो, इसमें क्या है, ये जकल है, ये देखो बिल्कुल इसके ऊपर जकल आ गया। अब हम भेड़िया की बातें कर रहे हैं ना,
तो जैकल भी भेड़िए की तरह नजर आ रहा है। ये जो ये बिल्कुल आपको जूम इसमें नहीं है, वो बिल्कुल जा रहा दिख रहा होगा कि इसमें ना S24 होता तो। रुकिए मैं एक शॉट तो बनाता हूँ उससे। ये देखिए दोस्तों जा रहा है, अभी निकल गया आगे, आ नहीं पाया ठीक से। जैकल ही होगा, ये चला गया नीचे। दोस्तों कुछ टीवी चैनल में आने का मौका मिला, तो अभी एक नेटवर्क 18 ने इसी बात पे कि सर्वाइवल, उन्होंने बताया कि आप सर्वाइवल पे वो टिप्स दे दिए, तो मैं उसमें मैंने यही बताया था कि अगर भेड़िया अटैक करे तो करना क्या है। मैंने कहा अभी आपने देखा, देखिए जैकल आ रहा था लौट गया, चलो ये तो नॉर्मल है, मैनीटर भी है वहां पे। अगर वो सामने से चार्ज करते हुए आ रहा है, तेजी से दौड़ता आ रहा है, आप प्रैक्टिकली सोचो आप क्या कर सकते हो। सिर्फ मुकाबला करना पड़ेगा ना, आप भागोगे पकड़ लेगा। 40 किलोमीटर के आसपास, 40 किलोमीटर से ऊपर भागता है, 30 मील पर आवर की है, तो 30 मील कितना हो जाता है मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर पर आवर एक वहां पे पिकॉक है। तो जब तेजी से आ रहा भाग सकते नहीं, तो आप बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डाल के देखोगे और चिल्लाओगे जोर जोर से, हाट 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 करके, जो भी पत्थर उठा के मारोगे, डंडा डंडा मारोगे, यहीं ब्रेक लगा के रुक जाएगा, नहीं हमला करेगा वो। और दूसरा कोई उपाय भी नहीं था ना। अगर आप बोलोगे अरे नहीं हुआ तब क्या होगा, तो भाई साहब फिर उपाय क्या है आपके सामने? अगर आप ये मेरी जो मैं बोल रहा हूँ नहीं मानोगे तो फिर आपके उसके ऑप्शन है भागने पे, तो 100% गारंटी है कि मौत निश्चित है, लड़के ही ऑप्शन है ना, तो यही मानना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था अगर आप गन्ने खेत से जा रहे हो, दूसरे खेत से, इधर से भेड़िया निकल के आ गया, तो आपने घूरना नहीं है उसे, तब वो इधर खड़ा है, आपने इधर देखना है। मतलब उसको लगेगा कि आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आप इधर देख रहे हो, लेकिन आपके विजन में आ रहा है वो, उसकी हरकतें दिख रही हैं। अगर तो आप पे चार्ज कर रहा है तो आप वही वाला तरीका अपनाओगे जो अभी हमने कहा, हट हट और उसकी आंखों में आंखें डाल के। लेकिन अभी आप उसको मौका दे रहे हो कि भाई मैंने तो ये देखा नहीं, तो वापस चला जा। तो जब आप इधर देखोगे वो इधर खड़ा है, वापस खेत में घुस जाएगा कि इन्होंने मुझे देखा नहीं है। और यही टेक्निक सारे जानवरों पे आती है, तो हाथी वगैरह को छोड़ के बाकी सब पे यही टेक्निक आती है, भालू हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, सब पे यही है। तो अभी देखिए यहीं पे आप, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था मेरा जैकल से, यहीं पे था बिल्कुल। वैसे क्या होता, दूर से जा रहा था, उसके चलने की लाइन हमारे चलने की लाइन अलग है। अभी मैं बार बार ये बात क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि उसके चलने की लाइन और मेरी लाइन एक ही थी। वो इधर को आ रहा था, मैं इसी रोड पे खड़ा था, उसने मुझे देखा, वहां रुक गया, जब तक मैंने देखा वो कैमरा निकाला लौट गया। तो मैं वो बता रहा था कि वो जो डिस्पर्सर होता है दोस्तों, वो आगे चला जाता है, फिर वो बड़ी मुश्किल से शिकार करता है, खरगोश वगैरह कर लेता है, लेकिन बड़े जानवर तो देख के भी नहीं मार पाता वो। अगर उसको एंटीलोप मिल जाएगा ना तो नहीं मार पाएगा उसको अकेला। फिर जब उसको दूसरे, या तो वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाएगी, उसको लगता है यार मैंने एक गलती कर दी, भैया अल्फा तो नहीं, उनके सपोर्टर ही बन के रहना ठीक है, तब तो वो जाएगा और अपने भाव भंगिमा से उसकी आंखों में आंखें नहीं डालेगा, झुकेगा बुकेगा, शामिल हो जाएगा। अगर वो उसको दूसरी फीमेल मिल गई तो फिर वो अपना ही पैक बनाएगा। अकेली कोई मान लीजिए सोलो फीमेल मिल गई तो वो बच्चे होंगे और वो फिर खुद अल्फा मेल बन जाएगा। तो ये होती है इनकी लाइफ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों कि लंगड़ा भेड़िया अल्फा मेल नहीं हो सकता। भले ही वो अल्फा मेल रहा हो, लेकिन जैसे ही वो लंगड़ा होगा ना, कुछ दिन बाद दूसरा भेड़िया, क्योंकि सबके अंदर चाहत होती है अल्फा बनने की। रीजन सिर्फ अल्फा को मेटिंग राइट होता है, वो रहते हैं लेकिन उनको मेटिंग राइट नहीं होता, और सबको मेटिंग राइट चाहिए होता है, इसलिए वो चैलेंज करते हैं। तो जैसे ही वो लंगड़ा हो गया, एक से दो चार पांच महीने बाद कोई ना कोई इसको चैलेंज करने वाला उसके पैक में मिल ही जाता। चलिए पार कर लेते हैं यहां से, किया जाए। अच्छा खासा ठंडा पानी है। अच्छा गाड़ी यहां से भी निकाली है किसी ने, देखिए टायर के निशान दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे आके, अच्छा यहीं से निकाली, अच्छा अच्छा ठीक है। गाड़ी यहां से लेके ऐसे गई है, ऐसे मुड़ के यहां से घूम के फिर वहां से ऐसे ले गए, मतलब यहाँ कटाव ज्यादा है तो ये टर्न लिया है। तो गाड़ी वो शेखर की गाड़ी तो उस तरफ से आ रही है दिवली से, ये कोई दूसरी गाड़ी गई है। खैर गाड़ी तो आज हमारे यहाँ भी आई थी बोलेरो सामान ले, कल भी आ रही है, कल एक ग्रुप आ रहा 10 लोगों का, तो सामान शमशेर लाया था तो गाड़ी आई थी, तो कल भी गाड़ी आएगी ही। बहुत सारे गेस्ट हैं जो कि
पानी कम होने का ही, मतलब पानी कम होने का तो इंतजार कोई नहीं कर रहा, रोड खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यानी ये पानी सबको चाहिए लेकिन रोड के वहाँ पर नहीं चाहिए, तो सब इस इंतजार में, मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि वो खुले। अब मैं इस ग्रुप के लिए ही रुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कहा था सर आप हो गए तभी हम आएंगे, क्योंकि मेरा बेटा कई दिन से फ़ोन कर रहा है आने के लिए, तो मैं कुछ दिन के लिए हो आऊँ दिल्ली, फिर वापस आ जाऊँगा जल्दी, 5-6 दिन में ही आ जाऊँगा। अपने रिजॉर्ट के ऊपर भी बादल हैं, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, पास जाऊँगा तो नज़र नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर अंधेरा हो रहा है, एंड करता हूँ वीडियो को अपना 360 डिग्री व्यू के साथ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।